तो ये वो गाड़ी थी जो मेरे पास उस वक्त थी, ये गाड़ी अभी है। टू मेक इट वेरी स्पेशल हम लोग इसी गाड़ी में ड्राइव करेंगे और उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे रोमांस शुरू हुआ था। Yeah, he's feeling very emotional. I mean, yeah, I mean, see that tears in his eyes right now. He is a very emotional guy. वैसे तो हर लॉग हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है, हर दिल से उसे करते हैं, पर आज का जो लॉग है जैसे लग रहा है स्पेशली अनमोल के बहुत ज्यादा स्पेशल। मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ आज तक का नहीं, हमारे YouTube चैनल जब तक ये चैनल रहेगा तब तक का आज का ये ब्लॉग सबसे ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इसको अगर मैं एक टाइटल दे दूं कि आज के ब्लॉग का टाइटल क्या होगा तो वो होगा हैशटैग यादें। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं और अमृता शायद 10 साल के बाद वापस जा रहे हैं रेडियो मिर्ची के स्टूडियोज में, यानी कि वो लोग जिन्होंने हमारी जर्नी को फॉलो किया है आपको वो जगह देखने को मिलेगी जहाँ पे हमारा वो स्पेशल किशोर कुमार वाला इंटरव्यू हुआ था, पहली मुलाकात। आपको वो जगह देखने को मिलेगी जहाँ पे अमृता ने मुझे वो खिचड़ी दी थी, यानी कि और हमें भी वो जगह 10-12 साल के बाद इतनी सारी चीजें उसके पार्किंग लॉट में, उसके स्टूडियो में, उसके गलियारों में। सो इट्स गोइंग टू बी सुपर स्पेशल। और हम जा भी किस गाड़ी में रहे हैं? चलो ये वो गाड़ी थी जो मेरे पास उस वक्त थी, ये गाड़ी अभी है, लेकिन हमने कहा टू मेक इट वेरी स्पेशल हम लोग इसी गाड़ी में ड्राइव करेंगे और उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे रोमांस शुरू हुआ था। इसके पीछे एक बहुत हसीन राज है, कहूँ क्या है? नहीं, बिल्कुल, और यही है कि यही वो कार है जिसमें हुआ प्यार है। एब्सोल्युटली राइट, इसी गाड़ी में पूरा रोमांस हुआ तो हमें लगा यार आज इसी गाड़ी में क्यों ना उसी जगह पे आया जाए जहाँ से इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। तो हम उस रेडियो स्टूडियो में जाएंगे जहाँ पे इनको इंटरव्यू किया था और सोच रहे वो खिचड़ी भी खाएंगे जो आगे यहाँ से मंगाई थी हमने। तो बहुत कुछ बना ले मेरे रेडियो मिर्ची के सब पुराने ये वाला इससे अच्छा है, पर ये तो ये जगह की रेफरेंस होता क्या है जिन्होंने हमारे वीडियोस देखे हैं। और यू नो एक बार बीच में बताया था कि अमृता का एक बार मैसेज आया और फिर शुरू होने के कुछ ही दिनों में कि हमको ब्रेकअप अभी नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ खड़ा हुआ था आपके दोस्तों के साथ में, मैं सिपिंग टी यहाँ पर आया ऐसे मैसेज, अच्छा ब्रेकअप ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से आई थी वो खिचड़ी, मशहूर खिचड़ी। कितने लोग हैं जो इसी लिफ्ट में आए हैं? आई रिमेम्बर देव साहब, आशा जी, ऑफ कोर्स यू, And in fact, everybody, you name it in the industry, आप बोलिए from Shahrukh to Salman to anybody, they've all come in this lift. Yes. Hey, प्यार की इच्छा। Oh. क्या होता है अनमोल? ये होता है अनमोल, उस जगह पे आना जहाँ पे कि आपने अपनी पहचान बनाई, अपने करियर की शुरुआत की। और मुझे वो सब लोग दिख रहे हैं जो
उस वक्त भी थे, जैसे मुझे मयूर मिला भी यहाँ पे, नीचे हमारे गार्ड साहब मिले, ऊपर हमारे गार्ड साहब मिले, तो एवरी कॉर्नर ऑफ दिस प्लेस हैज अ मेमोरी, नॉस्टैल्जिक, राइट? ओहो, मतलब banana? आज भी ये बनाना केक सर्व हो रहे हैं. Amazing, this is so cool. Amazing, this is like a highlight of memories, huh? Of course. हम उस बैकअप स्टूडियो में जा रहे हैं जिसके बाद जिंदगी का बैकअप सेट हो गया था, है? वो इंटरव्यू जहाँ पे हुआ था, जो किशोर कुमार स्पेशल हमने किया था, तो हम वहाँ जा रहे हैं, तो बड़ा मजा आएगा. लेट्स गो देयर. सो एक्साइटेड. तो कॉन्फ्रेंस रूम उसी जगह पे है, जस्ट दैट ये जो पैसेज था इसको ब्लॉक कर दिया, राइट? यस. कॉन्फ्रेंस रूम इज द सेम प्लेस. सेम स्पॉट. हां, बट ओके, आई वांट टू गो एंड सी चिट, आई वांट टू गो एंड सी वेयर आई शुड सिट. ओके. मेरी सीट यहाँ पे हुआ करती थी, मैंने उसके साथ की पूरी दीवारी उड़ा दी है, अभी तो मतलब ये पूरा का पूरा एक कर दिया है. नहीं आ रहा है ना ऑफिस. फ्रॉम what it was. So you used to sit here? I used to sit here. My table used to be here. सामने एक ऐसे होता है, क्या होता है? मैं अभी तो हट ही गया. चलो स्टूडियो चलते हैं, स्टूडियो में जा रहा हूँ मैं, स्टूडियो जा रहा हूँ यार. तो यहाँ पर एक लगा हुआ होता था कि कीप योर शूज आउटसाइड, तो हम कभी अपने शूज आउटसाइड पर रखेंगे. ओह माय गॉड. Yes, टीम मीटिंग यहाँ पे हुआ करती थी, यू नो हम लोग यहाँ पे जमीन में बैठ जाया करते थे, एंड यहाँ पे हमारी टीम मीटिंग्स हुआ करती थी. दिस इज सो कूल मैन. ये लेकिन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा था. Let's just take you to the studio right now. Yeah. And make you revisit some memories. Revisit so many memories. Oh. So which one was your studio? भाई जो यू नो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था. जनरली क्या होता है जब कोई गेस्ट को आप इंटरव्यू करते हैं तो वो उधर बैठते हैं, जनरली ऐसे ही होता है. बट मुझे अच्छे से याद है कि वो जो किशोर दास स्पेशल जो मैंने और अमृता ने किया था, जो कि जहाँ से हमारी एक बॉन्डिंग कह लो, जो भी कह लो, जहाँ से जो शुरुआत हुई थी, तो ये इतना ऊपर नहीं था, कॉन्सोल थोड़ा नीचे था, मैं यहाँ बैठा हुआ था, अमृता मेरे बाजू में यहाँ पे आके बैठी थी. Because मैं भी शो को होस्ट की तरह कर रहे थे हम लोग, तो इसीलिए तो माय गॉड. वाओ, व्हाट मेमोरीज. ही टेक्स बैक मी. ओह वाओ, ब्यूटी. बट हाउ डज हाउ व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? अमेजिंग. डू यू फील लाइक योर एनी मेमोरीज ऑफ पुरानी जींस कमिंग बैक? माय गॉड, वी वांट टू सी सम पीडीएस राइट नाउ. पुरानी जीन्स यहीं से शुरू किया था यार. How do you feel? I'm feeling very nostalgic. Emotional? Yeah, he's feeling very emotional. I mean, tears in his eyes right now. He is a very emotional guy, and I think he gives his heart and soul to whatever he does, and Purani Jeans is like Anmol's baby. He actually I knew that was coming. That's okay. And for the colleagues out here, what is it to deal with the pressure, stress and all the things? How are you managing back then? Pressure, what? Work pressure, ye commitments, ye wo. Nahi yaar, mere ko to koi pressure kabhi feel hi nahi hua. Nahi yaar. I think he just loved what he's doing so much. I always give this example that when you're chasing a girl, do you feel any pressure? No. रात के दो बजे तक इंतजार करना है, कभी पिकअप करना है, ड्रॉप करना है, कुछ भी करना है, सब कुछ आपको लगता है बड़ा मजा आ रहा होता है, because you love her so much. So I think when you love your work the same way, you don't feel that pressure. That's nice to hear. यहाँ पे अपनी किताब रख के बैठी थी अमृता, किशोर कुमार
सारे नोट्स बना के यहाँ पर बैठ के मैं सब गाने चला रहा था ऐसे. मैं सोच रहा था यार ये सही में अमृता राव मेरे बाजू में बैठी हुई है ऐसी माइक पे बैठ के. फिर हम पूरा शो रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर रिकॉर्डिंग खत्म होके फिर अमृता बोलती कि एडिटिंग भी करते हैं. मन में आया भगवान तू यही है क्या, पास पास ही क्या सब सुन रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ वो सब होता जा रहा है. ओहो 8 घंटे चला था हमारा पूरा इंटरव्यू, प्लस 6-7-8 घंटे इजीली चला होगा, प्लस एडिटिंग सब कुछ यहाँ पे बैठ के हम लोग. या आई थिंक हमारी जो लव स्टोरी रही है वो वाकई ही मतलब यू नो लाइक परहैप्स द ओनली रेफरेंस आई कैन ड्रॉ इज नॉटिंग हिल, बट आई थिंक वी आर मोर इंटरेस्टिंग देन दैट बिकॉज इन नॉटिंग हिल दैट यू ग्रांट वाज जस्ट अनदर गाय एंड हियर इट्स एन आरजे. आई डोंट थिंक इट हैज एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड बिफोर. तो इसीलिए हमने सोचा कि अगर हमारी लव स्टोरी में इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस, इतना ड्रामा है इसमें, फैमिली ऑफकोर्स आएगा इसमें, करियर इसमें, लाइक वो छुपाना, कॉन्ट्रोवर्सी भी है, जो किताब पढ़ेगा तो मालूम चलेगा. सो वी थॉट दैट यू नो ऑनेस्टली मैंने किताब के बारे में इतना नहीं सोचा था. वी वर ऑब्वियसली थिंकिंग ऑफ टेकिंग इट टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, बट अनमोल केम अप विद द आइडिया ऑफ अ बुक एंड आई एम सो ग्लैड ही डिड. Because that really put so many things into perspective, even for us. और हमें कहीं ना कहीं लिखते हुए मुझे ये realize हुआ, क्योंकि मैंने लिखा है इस किताब को, especially my portions, तो मुझे ऐसे लगा कि there was a comic screenplay going on parallelly. Oh my god. That's true, because I was like यहाँ ये हो रहा है और यहाँ ये हो रहा है, इसका connection है जो आगे जाके यहाँ पे मिल रहा है. मतलब we have not thought in like you know conjured this up, this is a karmic screenplay that somebody has. So tum wahan pe gaye nahi jahan par mera table viraj wali jagah thi, okay, jahan pe amrita wo khichdi paros rahi thi khichdi dekhna hai wo jagah, ha, aur main apne hand wash karke बाथरूम से आ रहा था और देख रहा था कि अमृता राव खिचड़ी परोस रही है मेरे लिए, क्या पागल हो रहा हो, क्या हो गया, देखनी हो जगह. हाँ. आ जाओ जाओ इधर, एक वॉशरूम तो इधर 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 वॉशरूम जो है ये पैसे समझो वहाँ पे अमृता है. मैं यहाँ से चलता हुआ आ रहा था यूं तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि ये परोस रही है खिचड़ी, क्या कर रही है मेरी खिचड़ी परोस रही है. You should call. बताती हूँ घर चलो. You should call for श्रीनाथ जी की खिचड़ी right now. Really you want to do that? Yes, we must. I think that's a plan, na. ये सब देख लेना मम्मी का. So giving a shout out to RJ Anmol and Amrita Rao coming to Mirchi Ka Sofra. After 10 years, back to the same spice and mirchi. Thank you so much, guys. Thank you. मुझे घर साहब से बात करनी है. क्योंकि ये आप कब भी थे? Yes, sir. जब मैं यहाँ पे काम करता था. Yes, sir. तो आप मुझे बताओ कि आपको याद है कि कभी ऐसा हुआ था कि मैं आया था इनके साथ यहाँ पर और आपको पता था, और लेकिन मैं आया था चुपके चुपके और आपको पता था कि मैं यहाँ पे आया हूँ? ऐसे तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने अंदर अंदर देखा. हाँ अंदर जब आप बात कर रहे थे लोग. हाँ स्टूडियो के लिए मैं. हम दोनों स्टूडियो के अंदर जब तुमने देखा, क्या बात है आपकी, तो सिक्योरिटी गार्ड को नहीं पता. सोचो आप कैसे आते थे हमें. थैंक यू वेरी वेरी स्पेशल व्लॉग एंड्स हियर. रेडियो सिर्फ मेरा पहला प्यार ही नहीं, रेडियो ने तो मुझे मेरी जिंदगी का प्यार दिया है. So to all the radio jockeys, और साथ ही साथ मेरी आवाज की दुनिया के सब दोस्तों, मेरे listeners, a very, very happy radio day. I'm on a couple of things, couple of things.